नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले पहले और आखिरी वन ऑफ ही है, खाली एक ही टेस्ट मैच की सीरीज है, उसका हम डे फोर लेके आए हैं। हम लोग डे थ्री में आप देख चुके हैं कि बहुत ही रोमांचक दौर पे पहुंच चुका है ये मैच। यहाँ से अफगानिस्तान भी इस मैच में पकड़ बना सकती है, जो कि थोड़ा सा एज लेके बैठी है, थोड़ा सा अपर हैंड लेके बैठी है, क्योंकि चौथी इनिंग में उनको गेंदबाजी करनी है, बैटिंग नहीं करनी है। वहाँ बांग्लादेश कोशिश करेगी, यहाँ पर अगर पहला सेशन सही ढंग से निकाल देती है बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश भी बराबरी पे या तो फिर जीत के लिए कोशिश कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है इस मैच में। रियल मैच तो कब का पूरा हो गया, लेकिन भाई हमारा आज तक का नियम है, आज तक मैंने कभी कोई गेमिंग सीरीज आधा नहीं छोड़ा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भले व्यू मिले ना मिले या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने गेम प्ले सीरीज़ के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। कई लोगों के मन में ऐसा होगा कि अब क्यों कर रहे हो भाई, तो गेम प्ले सीरीज़ शुरू किया है तो पूरा करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 50 की पार्टनरशिप हुई थी कल के दिन, एहसान उल्ला जिन्होंने सेंचुरी लगा दी है, 150 की तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे इनका साथ दे रहे हैं अहमद जाई जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं अभी अभी। हाँ, ये इनिंग को कितना आगे ले जा पाते हैं वो आज के दिन पता चलेगा। मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं आज के दिन बैटिंग ही करने वाला हूँ, हार्डकोर मोड है, और डिसाइड किया है कि मैं पहला सेशन खेलना चाहता हूँ पूरा का पूरा। हाँ, अगर वो हो जाता है, वो ऑल आउट हो जाता है हम लोग, तब मैं सीधा आखिरी सेशन पे जाऊँगा, वरना ये पहला सेशन मैं पूरा का पूरा खेलना चाहता हूँ। गैप अगर मिल जाता है लेग साइड में तो बहुत मज़ेदार 4 रन लग सकता है, देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर। हाल फिलहाल गैप तो नहीं जा रहा है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। ओवर हुए हैं 80 के आसपास था कल, जब हमने कल ख़त्म किया था दिन। जी हाँ, 80 ख़त्म हुआ था, 90 तक तो मैं खेलना ही फिक्स है मेरा, 90 ओवर तक यहाँ पे खेलूँगा, उसके बाद 10 ओवर का ऑटो प्ले आएगा। उम्मीद करते हैं अगर हम लोग बचते हैं वहाँ तक तो सर्वाइव कर जाएं। बहुत ही बढ़िया 4 रन यहाँ पर अहमद जाई के बल्ले से निकलता हुआ चौका। कल से कोशिश कर रहे हैं वो कि इनका स्ट्राइक रेट एक बार 100 क्रॉस हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन नज़दीक बहुत बार पहुँचे हैं, आज फिर नज़दीक पहुँचे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अजीब गेंद है, अब इस अजीब गेंद का हम फ़ायदा उठाएंगे, इसे खेल कर देखते हैं, बल्ले पे लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, पर नहीं, ये तो काफ़ी बाहर गेंद है, वार्निंग भी दी गई है बाउंस की, लेकिन ना इस गेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपोनेंट को, खास करके हम लोगों को वाइट नॉबल मिल जाएगा, लेकिन अपोनेंट भाई साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपना यहाँ पर बैक फुट पर खेल रहा हूँ, देखता हूँ क्या शॉट खेलेगा ये, डिफेंस करता हुआ। ओवर हुआ है पूरा, चौथे दिन की शुरुआत हो गई, शाकिब अल हसन को बुलाया गया है, एहसान उल्ला यहाँ पर खेल रहे हैं, सामने की तरफ बहुत बढ़िया गैप है, स्ट्रोक अगर लगता है बढ़िया तरीके से तो 4 रन भी लग सकते हैं, लेकिन खेला कहीं और गया कहीं और ही। आजकल लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है हमारे चैनल पे, तो भाई रीज़न है उसका, क्योंकि मैं अभी तक अपने कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश में ऑलमोस्ट पागल जैसा हो गया था, पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अंत में मालूम पड़ा भाई मदरबोर्ड ही बिगड़ा हुआ है, तो उस मदरबोर्ड को वापस कराया। अब सर्विस सेंटर के धक्के खाए थोड़े बहुत, और जो नई डेट आई है वो उस हिसाब से 1 हफ्ते से 10 दिन लगेगा नया मदरबोर्ड आने में, वो भी उम्मीद करता हूँ वो नया वाला आए तो भाई सही ढंग से चले तो ही मतलब है, वरना तो फिर मज़ा ही नहीं है। अगली गेंद काफ़ी बीट हुए हम लोग इस गेंद, इस ओवर में काफ़ी बीट हुए हैं, लेकिन इस बार लगेगी बल्ले पे क्योंकि अंदर की तरफ काफ़ी ले आए थे, 2 रन यहाँ पे ऐड होंगे। एहसान उल्ला इसी के साथ 142 पे पहुँच गए, 142 पे पहुँच गए, 8 रन दूर हैं 150 से, और अहमद जाई 29 पे खेल रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी स्पिन करा रहे हैं यहाँ पे साकिब, काफ़ी बड़ी बड़ी स्पिन, बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन स्पिन होते ही पैर पहुंचा दिया था बॉल तक, बॉल की पिच तक पहुंचा दिया था और वहां से बढ़िया शॉट खेला है। 345 बांग्लादेश ने पहली इनिंग में किए हैं जो कि काफ़ी कम थे, ऑलरेडी लीड लेके बैठी थी पहली इनिंग के ऊपर से, इस इनिंग में हमने लीड चढ़ाई है, तो इसीलिए मैंने कहा मैच शुरू होते हैं कि थोड़ा सा अपर हैंड है अफगानिस्तान के पास, अगर पहले सेशन में मान लो 5 ओवर में 6 ओवर में ऑल आउट कर देती है, और फिर अभी जो है रन 430 के आसपास टारगेट रहता है, और 150 ओवर रहेंगी खेलने के लिए, यानी बहुत होती है 150 ओवर में आपको 430 रन करना है, मतलब 3 से भी कम का रन रेट है पर ओवर, बस आराम से टिक के खेलना है।
अगली गेम यहाँ पर हम लोग खेलेंगे, इसे गैप में खेलने का प्लान है। उम्मीद करता हूँ जहाँ जो प्लान है वही खेले ये गेम, वरना जी हाँ उम्मीद तो है और सही भी हुआ है। 2 रन मिलेंगे एक बार फिर से यहाँ पर, बार बार नीचे आ जा रहा है। 33 पे पहुँच गए हैं 37 गेंदों में। अहमद जाई यहाँ पर पीछे की तरफ, मैं शॉट ले तो सकता हूँ लेकिन वो रिस्की थोड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा, ऑफ साइड में जाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो पीछे से गैप ओपन हो जाएगा लेग साइड से, और हमें मारना ही पीछे की तरफ है तो मोस्टली स्टम्प में ही लग जाएगी गेंद, तो वैसा कुछ नहीं करना। हाँ फील्डिंग बहुत बढ़िया लगाई गई है इस बार, और गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया की है। अब इसका एक ही रास्ता है, पुश करना पड़ेगा हमें। आराम से पुश करेंगे और सिंगल भी ले सकते हैं और लेंगे भी, डाइव लगानी पड़ेगी लेकिन बहुत बढ़िया। तीसरा ओवर चल रहा है आज के दिन का, Day 4 सेशन 1। यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम पहला सेशन ही खेल लेंगे, आखिरी ओवर तक नहीं ले जाएंगे गेम को, और इसीलिए हमने यहाँ पर शुरुआत कर दी अपने गेम प्ले की शुरुआत से। Day 5 में क्या होगा, पहली बात तो ये कि आज का Day 4 पूरी तरह से पूरा हो, उसके बाद हम Day 5 के बारे में सोचेंगे। एक्सपेक्टेशन तो है कि Day 5 होगा, देखते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम लोग ऑल आउट हो जाएं, फिर 2 ऑटो प्ले हों और उसके अंदर आधी से ज़्यादा टीम बांग्लादेश की पवेलियन चली जाए, और फिर आखिरी सेशन में हम चमत्कार कर दें कुछ और ऑल आउट भी कर दें। लेकिन थोड़ा मुश्किल है करना, इतना आसान नहीं है, वो भी तब जब हार्डकोर मोड में खेल रहे हैं और पहला टेस्ट मैच है मेरा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि दोनों बैट्समैन गलतियाँ नहीं कर रहे हैं अभी तक, 18 गेंदें खेली आज के दिन, मुझे कोई गलती ऐसी नहीं दिखी है जिसको मैंशन करना पड़े। थोड़ा देख के खेलना होगा इस गेंद को, स्ट्रोक खेल रहे हैं लेकिन देखते हैं क्या होता है। ग्राउंड शॉट है, सिंगल है, डाई लगाने है, लेकिन बहुत ख़राब थ्रो, तुरंत हाथ में लेते ही थ्रो कर देते तो काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब ने नहीं किया वो सब। स्ट्रोक की तैयारी हो रही है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर 2 रन का कॉल आएगा, इसी के साथ 150 पूरे होते हुए एक लाजवाब पारी अफगानिस्तानी प्लेयर की तरफ से निकलती हुई। शानुल्ला नाम है इनका, मैं 194 के दे लिए, काफ़ी बढ़िया खेला है, क्योंकि गेंद का तो टेंशन था ही नहीं आज के दिन। जब से हमने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की है तब से गेंदबाजी का तो टेंशन था ही नहीं, क्योंकि एक एक दिन खेल खेल के दोनों लोग आउट हो चुके हैं, और ये थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ मैं, शॉट खेलने में कंफ्यूज हुआ हूँ। लेफ्ट में गया, राइट में गया, फिर ऑफ साइड गया, फिर लेग साइड गया, फिर पता नहीं कैसे खेल गया। थोड़ा हटके खेल रहा हूँ, पता नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। बीट हो रहे हैं यहाँ पे, दूर चले गए थे बॉल से टप्पी खाने से, और 4 गेंदें हो गई। शाकिब की स्पिन तो बहुत बड़ी बड़ी करा रहे हैं, आज इस बार हल्का सा किया है। मैं लेग साइड में खेल लेता हूँ गेंद को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गेंद लेग साइड में खेलना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही फैसला, सिंगल आता हुआ यहाँ पर। 367 हो गए स्कोर कार्ड इसी के साथ था। और एहसान आ गए स्ट्राइक पे, लेग साइड में खेलने का प्लान है, अगर प्लान सही रहता है तब तो बढ़िया है। 2 रन आएंगे यहाँ पे, नहीं ले रहे रन, मैंने दौड़ा तो दिया है पर देर कर दी है थोड़ी सी। ओ बाप रे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता, शायद थर्ड एम्पायर की। अरे इस गेम ने भाई मुझे रोका, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लगातार बटन प्रेस किए थे लगातार मैंने। अरे यार प्रॉब्लम ये कि ऑल आउट हो जाएगी अगर ऑटो प्ले में, मुझे या तो पहले शुरू के शुरू पूरे के पूरे 20 ओवर खेलने पड़ेंगे। क्या गड़बड़ हुई है मेरे से, क्या गड़बड़ हुई है समझ नहीं पा रहा मैं, क्यों ऐसा है। बहुत ही ज़्यादा ये मैंने रनिंग कराई थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकता था बंदा रन, दौड़ सकता था पर क्यों नहीं दौड़ा वो समझ में नहीं आया मुझे। प्रॉब्लम ये हो गई कि 8 विकेट गिर चुकी है, और ऑटो प्ले में तो बचने के कोई चांस नहीं लग रहे। अगर ऑटो प्ले लिया तो फिर ख़त्म गेम, क्विक क्विक सिंगल लिया है, ओवर पूरी हुई थी इसलिए। 5 गेंदें जो बची हैं इस ओवर में, इनको ही खेलना होगा। हो सकता है मैं लगातार 20 ओवर खेल लूँ, क्योंकि हालात काफ़ी ऐसे हो गए हैं कि गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। मेरा गेंदबाजी का आज कोई मूड नहीं है, मैं चाहता हूँ आज बैटिंग ही करूँ। गेंदबाजी आखिरी दिन हम करेंगे सेलिब्रेट करते समय। यहाँ पे हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रोक लेने की, स्ट्रोक जाएगा तो 2 रन तो कंफर्म हो ही जाएंगे, ये कंफर्म है, लेकिन स्ट्रोक लग नहीं रहा बल्ले पे। 198 गेंदे खेल ली, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 200 गेंदे खेलना टेस्ट मैच में हार्डकोर मोड में, वो भी
किसी भी प्लेयर के लिए पहले प्लेयर ऐसे बनेंगे जिन्होंने इतनी सारी गेंदें हार्डकोर मोड में खेली है। 199 चार गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं और अब देखना है वफादार कितना वफादारी निभाते हैं, पुश करेंगे गेंद को। एक्चुअली और कोई ऑप्शन है नहीं, स्ट्रेट भी खेल सकते हैं लेकिन स्ट्रेट में प्रॉब्लम ये होता है कि डाई लगानी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन हर बार शॉट खेलते ही रन दौड़ना होगा और डाई लगानी होगी। ये एक सिंपल फार्मूला है अभी वफादार के, जब भी बैट पे लगे गेंद आप रन दौड़ जाओ बल्ले पे लगते। मान लीजिए हाँ जी इस बार स्ट्रोक खेलते हैं हम लोग, लगेगा लगना तो चाहिए लेकिन सही ढंग से नहीं लगा, लेट शॉट दिखा रहा है, यकीन नहीं हो रहा क्यों ऐसा हो रहा है। 5 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे और कोशिश जारी है कि विकेट ना खोया जाए, रन भले धीरे गति से बढ़े उसका प्रॉब्लम जरा भी नहीं है, एक बूंद भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर रन नहीं भी बनते हैं पूरी पूरी दो दो तीन तीन ओवर मैडन जाते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब आउट होंगे तब। जिस तरह से अभी एक बेवकूफ़ी में आउट हुए, रन ही नहीं दौड़ रहा बंदा, मैं दबा रहा हूँ प्रेस कर रहा हूँ दौड़ 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 नहीं दौड़ रहा है एकदम से, फिर अपना दौड़ना शुरू कर दिया उसने, अंदर की तरफ आ रही है गेंद। चलिए कोई नहीं अच्छी तरह से जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गैप में खेलने की कोशिश की इस बार और सिंगल तो कन्फर्म है, दो की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लिया है मैंने 2 रन, आसानी से होने चाहिए पूरे क्योंकि डायरेक्ट थ्रो है नहीं, कि पहले बॉलर को थ्रो दिए उसके बाद बॉलर हिट करेगा स्टंप को। वफादार का भाई खेल तो रहे हैं ठीक ठाक, अब कितनी देर खेलेंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है, अब देखते हैं। जब तक खेल रहे हैं तब तक हम लोग सेफ हैं क्योंकि 9वां विकेट गिर जाएगा तब तो फिर एक गेंद की बात रहेगी, एक गेंद कोई भी गलत शॉट खत्म गेम इनिंग खत्म, वो अफसोस करेगा। 85 ओवर हो चुके हैं, 86 ओवर चल रहा है और वफादार ने हाल फिलहाल हर एक गेंदों पर रन लिए हैं, 5 गेंदों में 8 रन कर चुके हैं वो। सिंगल आएगा इस बार जी नहीं, हाँ सिंगल आया, मैं दबा दिया था रन के लिए, अच्छा दौड़े नहीं है वरना गड़बड़ हो जाती। मुझे एक बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है आज के दिन की, भाई स्पिनर ने एहसान के खिलाफ भी बहुत बढ़िया फील्डिंग सेटअप लगाया है, जनरली इतने ज़्यादा सैंड बैट्समैन के खिलाफ इस तरह का फील्डिंग सेटअप देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ना लगाया गया है ऐसा फील्डिंग सेटअप, पता नहीं क्यों काफ़ी प्लेयर आगे दिख रहे हैं और मेन पोजिशन पर ही सब खड़े हैं, जहाँ जहाँ हम लोग रन लेते हैं क्या लाजवाब। अरे मुझे लगा 4 रन गए, जिस टाइमिंग से लगाया है परफेक्ट था टाइमिंग, शॉट का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। पीछे जाता हूँ मुझे एक बार शॉट मारने को मिले मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं संभल के खेलना होगा बल्कि इस गेम को तो बहुत कंफ्यूजन है। बैकफुट पे डिफेंस कर रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, पीछे खेल नहीं सकता क्योंकि और वहीं एक गैप है, गैप है खाली, बाकी तो हर जगह पैक है। ऑफ साइड में भी है गैप लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, अगर मैं स्ट्रोक खेलता हूँ तो कैच आउट भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिस्की रन लिया है, डाइव लगा दी है, पहुँच गए हैं वफादार, अच्छी बात है स्ट्राइक रोटेट करवा दिया, लेकिन रिस्क था बहुत ज़्यादा रिस्क था। तैयारी हो रही है अब अगले शॉट की, स्ट्रोक ही लेने वाले हैं, सिंगल ही मिल रहा है, किस्मत ख़राब है इंसान की कि हर बार इनका जो गेंद लगता है बल्ले पे वो एक ही रन में कन्वर्ट हो जाता है, गैप में खेलते हैं तो भी एक रन ही मिलता है, ऑफ साइड की ही गेंदें आ रही हैं। पुश ही करेंगे हम लोग उम्मीद के साथ कि गैप में जाए ताकि एक रन तो कंफर्म आए आसानी से आए, वो भी सबसे बड़ी बात तो ये कि एक रन आए वो भी आसानी से आए। 6 ओवर कर दिया हमने, देखते ही देखते 6 ओवर खेल गए, बस 4 ओवर और खेलो कम से कम ताकि आइडिया मिल जाए कि क्या होने वाला है, क्या किस तरह से ऑटो प्ले करना है नहीं करना है, अगर नहीं करना तो फिर 20 ओवर खेलने हैं तो किस तरह से खेलने हैं वो सब देखेंगे हम लोग। और फिलहाल 2 रन का कॉल दिया है, आसानी से पूरे होंगे 157, 200 पूरे हो सकते हैं अगर पूरा 30 ओवर खेला जाए तो, 20 ओवर में भी हो सकते हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेनी होगी क्योंकि बॉल टू बॉल नहीं खेल पा रहा मैं, बॉल टू बॉल नहीं खेल पा रहा अभी, थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन फिर भी 50 यहाँ पे कम से कम मुझे यहाँ पे 50 गेंदें चाहिए, मेरे पास गेंदबाजी तो है उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगली गेंद वफादार यहाँ पे 10 गेंदों में 12 कर चुके हैं, लेग साइड में खेलने का प्लान है और स्ट्रोक खेलने का वो भी है, देखते हैं फ्रंट फुट पे क्या होता है। कमाल गेंद उछली जरूर है, प्लेयर तक पहुँची नहीं है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर, अच्छी बात है पहली गेंद पे स्ट्राइक रोटेट कर दिया, अब 2 की कोशिश करनी चाहिए।
और गैप ही गैप दिख रहा है मुझे तो, सिर्फ गैप ही गैप दिख रहा है। सामने की तरफ खेलने का प्लान है, अगर लग गया बल्ले पे तो चौका कंफर्म है सही ढंग का। नहीं लगाए लेकिन 2 रन लेंगे हम लोग, 3 भी ले सकते हैं पर मतलब नहीं लेने का, इतना ज़्यादा रनों की रेस नहीं लगी है कि भाई नहीं लेंगे तो मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी हम लोग स्ट्रेट ही खेलते हैं, स्ट्रेट ही खेलते हैं। स्ट्रेट में खेलने का फ़ायदा ये है कि मुझे गैप दिख रहे हैं ऑफ साइड में, हल्का सा गैप है लॉन्ग ऑन में, हल्का सा गैप है, अगर वहाँ चली जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, चौका लग जाएगा। बड़े शॉट में ले नहीं रहा क्योंकि विकेट नहीं बचे हैं, विकेट बचे होते अगर यहाँ पे 3 या 4 विकेट गिरा होता, हमने 250-300 रन मार लिए होते तो मैं लिस्ट ले सकता था, लेकिन ऐसे हालात थे नहीं। ऊपर से बैट्समैन भी इतना अच्छा होना चाहिए, 85-80 इनकी रेटिंग तो बहुत कम होगी, सबकी रेटिंग कम होगी, एक दो की नहीं सारे के सारे प्लेयर की रेटिंग यहाँ पे बहुत ही कम होगी। थोड़ा सा मैं ऑफ साइड जाके खेल रहा हूँ गेंद को क्योंकि बल्ले पे नहीं लग रही थी, लेकिन इस बार भी नहीं लगी है तो कंटिन्यू रहा है जो भी हुआ है। अगली गेंद हम लोग फिर से खेलने वाले हैं, हल्का सा ऑफ साइड लिया है मैंने बैट को ताकि गेंद उसी दिशा में जाए जहाँ चाह रहा हूँ। 2 रन ले रहा हूँ, रिस्की हो गया है थोड़ा क्योंकि 30 यार्ड का प्लेयर ने आगे आगे गेंद को पकड़ लिया है। 165 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, 165 क्रॉस कर चुके हैं एहसान, हम नहीं। गैप ही देख के खेलना है तो स्ट्रोक ही खेलते हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं मैं किस दिशा में खेल रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि गलत खेला आउट हुआ। अरे किसी एंगल से नहीं लग रही थी कि गेंद इतना अंदर की तरफ आएगी, गड़बड़ हो गई है ये, विकेट गंवा दिया है वफादार का यहाँ पे। 12 गेंदों में 13 रन, सिर्फ एक विकेट रह गया है अब यहाँ पे टिक करने को, तो अब समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि अब हम क्या करें। 10 ओवर होने के करीब है तो प्लान तो अब यही होगा मेरा कि भाई मैं पूरा का पूरा खेलूँ, अब ऑटो प्ले नहीं करना, 20 ओवर पूरा का पूरा खेलने का प्लान है, पुश करने का प्लान है। इस बार डिफेंस हुआ है, सिंगल आएगा क्योंकि शॉट लगा ही नहीं है सही ढंग का, और अभी 2 गेंदें ही हुई हैं इस ओवर की, अब तो एक एक गेंद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी मैच ख़त्म हो सकता है यहाँ पे। स्ट्रोक, हाँ चलिए स्ट्रोक ही लेते हैं, वो पता नहीं कैसे बीट हो गया बंदा, स्पिन हर बार होती है, इस बार स्पिन ही नहीं हुई भाई साहब की गेंद, हर बार घूम फिर के ज़बरदस्त स्पिन होती है लेकिन इस बार भाई साहब की स्पिन ही नहीं हुई गेंद, और लाइन लेंथ तो बहुत बढ़िया डाली थी उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा शॉट खेलने के बावजूद बीट और हम लोग नहीं खेल पा रहे, उस बात का थोड़ा मुझे अफसोस हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, कभी अर्ली दिखा रहा है शॉट, कभी लेट दिखा रहा है, कभी फील्डिंग चेंज का इशारा किया गया है। एहसान ने अभी भी 2 रन निकाले हैं, पीछे की तरफ नहीं खेल सकते, प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि प्लेयर खड़ा रखा है, और दूसरी बात प्लेयर खड़ा रखा है वो तो ठीक है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गेंद ऑफ साइड में आ रही है, ऑफ साइड की गेंद को मैं ऑफ साइड में जाके लेग साइड तो मारूंगा नहीं कुछ भी हो जाए चाहे, स्ट्रोक खेलूँ कि पुश करूँ, स्ट्रोक खेलता हूँ सामने की तरफ बल्ले पे लगे बस, बाकी तो मैं देख लूँगा। सिंगल आएगा यहाँ पे, अननेसेसरी डायरेक्ट थ्रो मत मारो, फाइन दे देता मैं रियल लाइफ में तो फाइन दे देता, इतना हैरान कौन करता है एम्पायर को। ओवर पूरा होता हुआ यहाँ पे और आखिरी विकेट है, 400 क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, चलिए अच्छी बात है, अभी हुए नहीं है, 1 रन हो जाएंगे उसके साथ ही 400 क्रॉस हो जाएंगे। पहली इनिंग में 415, दूसरी इनिंग में 400, अपील बड़ी हुई है लेकिन क्यों हो रही है अपील मैं ये नहीं समझ पा रहा, जब पिचिंग आउटसाइड लैग है तो अपील की तो बात ही नहीं उठ रही, ऊपर से लेफ्टी बैट्समैन है और आप इतनी गलत एंगल से गेंद डाल रहे हो कि वो घूम फिर के नॉट आउट ही होगी, सेंचुरी कर चुके हैं हमारे, अरे वाह ये मेरा बॉलर शॉट आने वाला है, अरे अरे कन्फ्यूज़ हो गया हूँ मैं, कन्फ्यूज़ हो गया था, अब याद आया क्या कैसे खेलते हैं, एकदम से वो शॉट आया मेरे ध्यान में, अब खेलते हैं हम लोग, बोल्ड बोल्ड मत होना भाई, एक्सपेरिमेंट ही है ये, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही है, और फ्लॉप हुआ है यहाँ पर, ये अनएक्सपेक्टेड कैच था। इनिंग हो रही है यहाँ पे पूरी, 469 की लीड दी, आखिरी ओवर जो हमको सर्वाइव करना था वहीं पे आउट हुए हम लोग, यानी अभी 10 ओवर का गेम प्ले बाकी है, एहसान उल्ला रहे हैं नॉट आउट,
अब हमारी गेंदबाजी का वक्त है और मैं करूंगा आखिरी सेशन में 10 ओवर की गेंदबाजी, पहली 10 ओवर, उसके बाद ऑटो प्ले करूंगा। अभी जो होगा वो एंड ऑफ सेशन होगा, लगातार एक गेंद करने के बाद यहाँ पे अगर पहली गेंद पे विकेट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन होगा नहीं क्योंकि पिछली बार हो रहा था लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया था भाई साहब ने, तो वहाँ हमारा पूरा मूड बिगड़ गया था। पहली इनिंग में पहली गेंद पे कैच उछला था, बहुत ही रेयर होता है ये, पर हुआ था। वक्त हो गया है ऑटो प्ले का, लीड बता देता हूँ मैं, विनिंग टारगेट बता देता हूँ, 470 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी है। हमने पहले ही कहा था 350 से 400 हो जाता है तो मुश्किल होगा, यहाँ पे 470 का टारगेट दे दिया है बांग्लादेश को। अगर चेज कर जाती है तो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, और दूसरी बात ये कि हार्डकोर मोड है तो पॉसिबल है कि चेज भी कर जाए, बस करना ये होगा कि जब हम लोग गेंदबाजी करें तब इनको एक विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं खोने होंगे जितनी बार भी गेंदबाजी आए। कल के दिन 20 ओवर इम्पॉर्टेंट होंगे, आज तो 10 ही करना है। एक या दो, एक विकेट तो खोया ही होगा कन्फर्म है, दो खो दिए होंगे तब तो भाई बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी, क्योंकि 20 ओवर आपने खेला है, आपको अभी 90 150 ओवर और खेलना है, 406 रनों की लीड है, एक विकेट खोया है, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ज़्यादा 64 पे एक, मतलब कि आपको अभी भी काफ़ी है। एंड ऑफ सेशन करेंगे हम लोग, एक और एडवर्टाइज आई, बस ये एडवर्टाइज के बाद हम 10 ओवर बॉलिंग करने वाले हैं, देखेंगे किस तरह का एटीट्यूड है बांग्लादेशियों का इस मैच के लिए, क्या जीत पाएगी बांग्लादेश। रियल लाइफ में भी होता अगर ये सिनेरियो तो बहुत मुश्किल होता, गेम में भी मुश्किल है, लेकिन हार्डकोर मोड है तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। इस गेम का सबसे मुश्किल मोड है तो हो सकता है अपोनेंट इतनी आसानी से हार ना भी माने, देखते हैं लेकिन क्या होता है यहाँ पे। तो एक सेकंड की बात ही है, चलते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि पूरा सेशन इन्होंने, पहला सेशन है जो इन्होंने पूरा खेला है, देखते हैं कितनी विकेट खोते हैं। एक गंवाई थी पहली सेशन में, 64 मारा था 20 ओवर में, अब कितना करते हैं, क्या 5 विकेट गिर गई होगी कि 4 गिरी होगी मेरे ख्याल से। अरे बाप रे, बांग्लादेश ने 286 रन टू विन, सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है 286 रन, 184 पे 4 गिर गई है, लेकिन दोनों नए खिलाड़ी हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है बांग्लादेश के लिए। अब किस तरह से वो लोग खेलते हैं वो डिपेंड करेगा, पर काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों नए खिलाड़ी हैं, फील्डिंग तो हम मैनुअली रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक्चुअली अभी भी एक फील्डर सेट करना है, लेकिन कहाँ करना है वो मैं इनके शॉट खेलने के बाद डिसाइड करूँगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अभी मैं इनको नॉर्मल गेंद ही करूँगा, पहले इनिंग में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी हमने बांग्लादेश अफगानिस्तानियों के साथ, फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज मुझे दिख रहा है, मैं करता हूँ वो। 51 ओवर हुए हैं, चलिए अच्छी बात है, 51 हुए हैं मतलब कि हमको 61 तक गेंदबाजी करनी है, करनी है, करनी ही है। 51 से 61 ओवर का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बांग्लादेश यहाँ पे एक भी विकेट नहीं खोता है तो मैं मानता हूँ कि ये लोग मैच में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे होगा और कितनी विकेट खोएगी, एक विकेट मैक्सिमम खो सकती है ऑटो प्ले में, नहीं नहीं 20 ओवर का ऑटो प्ले, हाँ तो दो भी खो सकती है, कुछ भरोसा नहीं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे गेम प्ले में नहीं खोनी चाहिए विकेट। हाल फिलहाल दोनों नए बैट्समैन हैं, मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि 50% भी इनका कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, और हमने 100% हर बार हमारे सामने कोई ना कोई 180% रहता है ये कॉन्फिडेंस। ये पहली बार है कि हमारे सामने दोनों नए खिलाड़ी हैं, मैं एक तरफ से तेज गेंदबाज को कराऊंगा गेंदबाजी, हाल फिलहाल हम इन्हीं को ही करा रहे हैं, स्पिनर को एक तरफ से, और स्पिनर नबी हैं, एक विकेट ले चुके हैं, खराब गेंद थी फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे ज़्यादा। एक बार मैं बॉलिंग टारगेट देखना चाहूँगा, पिछले परफॉर्मेंस में क्या गेंदबाजी में कमाल किया था इन लोगों ने, फोर्थ इनिंग नहीं भाई, थर्ड इनिंग दिखाओ, सेकेंड इनिंग दिखाओ। नबी ले गए थे 4, रहमत शाह ले गए थे 2, चलिए ठीक है देखेंगे हम लोग, रहमत शाह को होगी तो देंगे गेंदबाजी, और पता होना चाहिए कि पहली इनिंग में कौन अच्छा खेला, नबी खेले थे वो याद था मुझे, दूसरे नंबर पे कौन बॉलर था वो मैं श्योर नहीं था, अब श्योर हो गया हूँ, रहमत साथ है। हसन, देखिए हसन के पास बहुत बढ़िया मौका है एक बार फिर स्टार बनने का, महमूदुल्ला खेल रहे हैं वहाँ पे, उनका साथ दे रहे हैं, पहली ओवर पूरी हो गई, 9 ओवर और, रशीद खान भी हैं हमारे पास ऑप्शन में, देखेंगे हम लोग ट्राई करना होगा करेंगे। हाल फिलहाल एक ओवर रहमत शाह को भी दिया है क्योंकि बंदा पिछले मैच में, पिछली इनिंग में 2 विकेट ले गया था, दूसरे नंबर पे थे सबसे टॉप पे, तो एक ओवर तो डिजर्व करते हैं ताकि पता चल जाए क्या है इनका कॉन्फिडेंस, किस तरह का इनका एबिलिटीज़ है, कितनी तरह की गेंदें डाल सकते हैं। बाकी हमारे पास रशीद खान भी हैं, हमने उनको भी ट्राई करना है, खुद ही कप्तान है वो,
अच्छी गेंद यार, काफी बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद। शॉट लगाया जरूर है लेकिन सिंगल के लिए ना बोला है। और किस्मत देखिए, हम लोग 400 नहीं बना पाए पहले इनिंग में। 399 पे आउट हो गए हम लोग, 399 एग्जैक्ट 399 पे। बढ़िया शॉट, फाइनली गैप ढूंढने में सफलता मिली है और 4 रन भी जाएगा इसी के साथ। कोशिश बस ये हो रही किसी तरह से इन्हें रोका जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ये लोग आसानी से रन बना जाएं। मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि ये मेरी गेंद पे हर एक गेंद पे 6 के रन रेट से खेले। मैं भी चाहूँगा ये भले आउट ना हो चले लेकिन इनको रन भी नहीं बनाने देना है, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है ऑटो प्ले में एक आध दो तो जाएंगे पक्का। हो तो अब कितने जाएंगे वो इन लोगों की कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, रेटिंग, टाइमिंग, टेक्निक, उस सब पे डिपेंड करेगा। और बॉलर्स की भी रैंकिंग, रेटिंग सब पे डिपेंड करेगा। हाल फिलहाल महमूदुल्ला और शाकिब अल हसन दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, और इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक ही टेस्ट मैच की सीरीज़ है तो सीरीज़ विन भी हो जाएगा जो जीतेगा, और टेस्ट मैच भी जीत जाएगा। 2 रन निकालते हुए ठीक ठाक गेंदबाजी की, कोई मौका क्रिएट नहीं हुआ ये बात का थोड़ा अफसोस है। नबी तो एक तरफ से कंटिन्यू करेंगे, उनमें उनको तो कोई रोकने वाला है नहीं, कन्फर्म ही है उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया भी है। इसलिए खराब गेंद, खराब गेंद, लेकिन खराब गेंद, लेकिन अगली गेंद ड्रिफ्टर करा रहा है। मैंने आम बॉल नहीं डालता, मैं आम बॉल बहुत रेयर डालता हूँ, बहुत रेयर, वो मैं हमेशा उसको बचा के रखता हूँ आम बॉल को। पता नहीं क्यों, क्या मुझे भी नहीं मालूम, या मेरी नज़र नहीं जाती उस पर, या जो भी हो, लेकिन आम बॉल आप कभी भी देख लो मैं बहुत रेयर डालूंगा। वो कितनी कितनी बार तो पूरे पूरे गेम में मैं आम बॉल नहीं डालता। खराब गेंद, खराब गेंद, खराब गेंद, कॉन्सेंट्रेशन में कमी लग रही है, कुछ नहीं कर पाए सही ढंग से परफॉर्मेंस गेंदबाजी में खास करके। और ऐसा नहीं है कि पहली पहली दो गेंदों पे, दोनों तीनों गेंदों पे खराब किया है, इस बार फाइनली कुछ हुआ है, ठीक ठाक गेंद डाली है। मैं एक्चुअली आर्म बॉल डालने वाला हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था बॉलर का क्या है। अब पहली बार ग्रीन लाइन पे गई है आम बॉल और बड़ा शॉट लगाया है, लेकिन प्लेयर डीप में मौजूद है, 2 रन तो आ जाएगा, लेकिन 198 पे पहुंच गई है, 200 के करीब है। लगभग आधी टीम पवेलियन में है, 4 गिर चुकी है इसलिए कह रहा हूँ आधी टीम लगभग। अगली गेंद ट्रिप्टर डाली है और परफेक्ट ग्रीन लाइन पे डाली। इस गेंद पे तो कभी चौका छक्का डेवलपर को नहीं लगने देना चाहिए, अभी परफेक्ट के भी अंदर परफेक्ट है। ग्रीन लाइन तो परफेक्ट होती है लेकिन उस ग्रीन लाइन के अंदर भी परफेक्ट डाली है, सेंटर के अंदर सेंटर। रशीद खान को ट्राई कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है इनको ज़्यादा ये भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि 3 ओवर यहाँ पे हो चुकी है, मुझे कोई एक मौका भी ऐसा नहीं लगा है कि मैं बोलूँ यार गया, ऐसा एक भी मौका नहीं दिखाया। और बड़े शॉट लगा भी नहीं रहे, ऊँचे शॉट नहीं लगा रहे, यानी ग्राउंड के ऊपर के शॉट नहीं लगा रहे बांग्लादेशी प्लेयर। ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर ये थोड़ा बहुत खुल के खेलें तो मज़ा आ जाएगा, अभी खेल नहीं रहे हैं तो सारे शॉट ग्राउंडेड हैं, सारे शॉट या 38 के अंदर हैं, तो रिस्क तो है ही नहीं कहीं। रन बन रहे हैं ठीक ठाक स्पीड से, कोई बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है, लेकिन दिन बहुत है इनके पास, कल के 90 ओवर हैं ही ऑलरेडी, और अभी 20 ओवर यहाँ पर भी, 20 ओवर इसके बाद है जब मेरा ऑटो प्ले, मेरा गेम प्ले ख़त्म होगा, उसके बाद भी बढ़िया चौका यहाँ पे। नबी के ओवर में चौके नहीं लग रहे, लेकिन उनके सामने जो बॉलर्स हैं उन सब की ओवर में चौके पड़ रहे हैं। रहमत शाह को चौका पड़ा, यहाँ पे इनको रशीद खान को पड़ गया है, फ्लिपर डाल रही है। अच्छी गेंद है, काफ़ी बढ़िया गेंद है, परफेक्ट डाली है गेंद, हाँ डॉट भी गया है। 60 ओवर तक हमें करनी है गेंदबाजी, 60 नहीं 61 तक, क्योंकि पहला ओवर डाला नबी ने, दूसरा शाह ने, तीसरा फिर नबी ने, चौथा ये डाल रहे हैं, मतलब 61 तक हमें डालना है। सिंगल आता हुआ यहाँ पर, अगली गेंद यहाँ पे करेंगे हम लोग। अच्छी गेंद लेकिन नहीं हो पाई है, सही ढंग से नहीं हो पाई है, ग्रीन लाइन परफेक्ट नहीं टच कर पाई है, या थोड़ा बहुत हिस्सा भी नहीं टच कर पाई है, लेकिन रिस्की रन लेते हुए इस स्ट्राइक को अपने पास रखा है हसन ने। मुझे लग रहा है वो महमूदुल्लाह से अलग सोच रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो बंदा ज़्यादा स्ट्राइक लेगा वो बड़े शॉट खेलेगा, तब मज़ा आए, तब उसका टेस्ट होगा। अभी तो धीरे धीरे खेल रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा दोनों को, लेकिन जैसे एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इच्छा तो होगी मानने की, और तब मैं इनको देखना चाहूँगा किस तरह से खेलते हैं।
अभी तो बहुत धीरे धीरे खेल रहे हैं, आराम से ग्राउंड शॉट ले रहे हैं, तो कोई रिस्क नहीं है ना इनके लिए ना मेरे लिए। हाल फिलहाल ग्रीन लाइन रखने का प्लान था, नहीं हो पाया है लीव करते हुए गेंद को। आम बॉल डालता हूँ इस बार मैं, काफ़ी बढ़िया फिर से परफेक्ट आम बॉल डाली है। मैं देखना चाहूँगा क्या खेलेंगे शॉट। डिफेंस किया है यहाँ पे, पुश किया है गेंद को, डिफेंस कर दिया है। 43 गेंदें, 29 रन, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन मैच में कुछ नहीं हो रहा, मैच रुक सा गया है ना, रन बन रहे हैं ज़्यादा स्पीड से। और इस बार हमारी बात सुन लिया है, बढ़िया सिक्स लगाया है, गेंद बहुत ही ख़राब थी, दूर दूर तक कहीं नज़दीक नहीं थी, यहाँ पे 50 की पार्टनरशिप पूरी होती सिर्फ 66 गेंदों में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पार्टनरशिप का कि तेज रन बनाए हैं, 66 मतलब 11 ओवर में लगभग 50, मतलब ऑलमोस्ट 5 के रन रेट पर पहुँच गया है धीरे धीरे। यहाँ पे इसी के साथ 35 और 32 हैं, हसन और महमूदुल्ला के दोनों टिक गए हैं। और यहीं पे असली गेम प्ले अब शुरू हो रहा है, जब बंदा सेट हो जा रहा है, जब बड़े शॉट लगाएगा तभी तो मज़ा आएगा, मैं वही चाहता था, हो गया है। अब देखते हैं क्या शॉट खेलते हैं। अभी भी ग्राउंड शॉट महमूदुल्ला के बल्ले से सिंगल के लिए गए हैं। अगली गेंद यहाँ पर रशीद खान को ही दे रहा हूँ मैं, वक्त आ गया है मेरे को बदलने का, तेज गेंदबाज को भी बुला सकता हूँ अगर मुझे लगा कि ये पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं तो। अगर इनके में बड़े शॉट भी खेल रहे हैं तो भी मैं इनको कंटिन्यू कराऊंगा क्योंकि मेरे पास रन डिफेंड करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन इनको विकेट बहुत कम बची, 6 विकेट है, लगभग 250 के ऊपर के रन है, तो आसान नहीं है बनाना, वो भी तब जब आपके लोअर एंड बहुत ही कमज़ोर हो, लोअर टेल एंडर्स बहुत कमज़ोर हैं। 5 गेंद हो जाएगी तो हम चेक करेंगे कि कितना टारगेट, एग्जैक्टली कितना टारगेट बाकी है, कैस करके नहीं कहना, एग्जैक्टली टारगेट करना है कितना बाकी है तो पता चल जाएगा हमें कि हाँ भाई यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ ये गड़बड़ हो रही है और अब इतना गेंदबाजी करानी है। 3 गेंदें हो चुकी हैं, इसके बाद 4 ओवर और बाकी हैं, 24 गेंदें और हैं इसके बाद, पर कोई बड़े शॉट देखने को नहीं मिल रहा है, ये गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ बड़े शॉट खेलें बंदे, दोनों बड़े शॉट खेलें तब मज़ा आएगा, पर अभी तक कोई बड़े शॉट देखने को नहीं मिले हैं। 4 गेंदें हो गई है, 5वीं गेंद है, खेला है थोड़ा बहुत लेकिन वो बात नहीं है शॉट में कि कैच बन पाए या सिक्स जा पाए। 255 114 ओवरों में 255 का टारगेट है, आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 का होगा, मैक्सिमम 2.5 का होगा, कम ही है उससे। और ये देखिए बड़ा सिक्स लगता हुआ इसी के साथ चला गया 249 का, और रिक्वायर रन रेट भी उसके बाजू में लिखा था मुझे अभी याद आ रहा है, तो हम देखेंगे वो भी कितना है क्या है। पर नबी को मैं एक तरफ से कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो विकेट निकाल सकते हैं, गेंदबाजी में दूसरी तरफ से चेंज हो सकता है जी नहीं। 114 गेंदों में 114 ओवर में अब 249 रन चाहिए। अगर रैंकिंग और रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो रशीद खान मेन बॉलर होने चाहिए, लेकिन इस गेम में नबी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, चाहे पहली इनिंग हो और यहाँ पर भी परफेक्ट गेंदें भी काफ़ी अच्छी डाल रहे हैं इतना छोटा होने के बावजूद। देखिए ये गेंद भी ग्रीन लाइन तो टच हुई है कम से कम, अच्छी बात है। चलिए बड़े शॉट लग रहे हैं, अब बस ये मन में डाउट है कि यहीं बड़े शॉट दे दे के कहीं ऐसी हालत ना हो जाएगी ऑटो प्ले में एक भी विकेट ना खोए बांग्लादेश और फिर वहाँ से मैच ऐसी सिचुएशन में हो जाए कि कोई भी जीत सकता हो, तब तो भैया ज़बरदस्त हो जाएगा मैच। अच्छी गेंद, फिर से ग्रीन लाइन रखी, अब देखना है क्या शॉट लेते हैं महमूदुल्ला, फिर से बड़ा शॉट खेल रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ खेलें और खेलें। वो जितना ज़्यादा बड़ा शॉट खेलेंगे उतना इनकी गलती के चांसेस बढ़ेंगे, नया बैट्समैन जब आता है तो यही गड़बड़ करता है कि वो बंदा शॉट ही नहीं खेलता। आप कितना भी क्या करोगे, आप इस गेम में कोई ऐसी गेंद है नहीं जिसको आप सरप्राइज डिलीवरी कह पाओ, जैसा कि WCC 2 में है, चलो भाई आपने 15 गेंदें डाल दी आपको एक सरप्राइज डिलीवरी मिली है, वहाँ पे कुछ चांस है। इस गेम में तो ऐसा कुछ है नहीं, यानी नया बैट्समैन आया मतलब आप उसको खिला खिला करो 30-40 गेंदें, उसके बाद जाके वो कहीं गलती करेगा तो वहाँ पे गेम बिगड़ जाती है। यहाँ पे देखिए गेंद गई भले है 4 रन, लेकिन शॉट जो खेलना चाहते थे वो शॉट नहीं खेला पाए हैं, जिस दिशा में खेलना चाहते थे वो नहीं खेल पाए, जिस टाइमिंग से और जिस पावर से खेलना चाहते थे वो नहीं हो पाया। देखिए वो बहुत सिक्स की तैयारी थी लेकिन कीपर भी थोड़े कमज़ोर हैं हमारे, तो वहाँ भी नुकसान हो गया हमें। ग्रीन लाइन कह नहीं सकते लेकिन 100 के करीब है नबी और 98 पे पहुँच गए हैं रन देने के मामले में। ओवर पूरा होता हुआ 18 गेंदे और हैं हमारे पास,
बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा अगर यहाँ पे एक भी विकेट नहीं कमाता है तो। चेंज होता हुआ बॉलिंग में यहाँ पर अहमद चाही को बुलाया गया है, इनके साथ में यॉर्कर गेंदें ज़्यादा डालूंगा ताकि ये जहाँ मेरा प्लेयर खड़ा है वहाँ शॉट खेले। गलत कर दी है मैंने गेंद, पहली गेंद ही गलत कर दी है। अच्छी बात है फ्लिक शॉट खेला है, टेस्ट करके खेलेंगे वो लोग, चेक करके खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली गेंद से ही धमाल चौकड़ी मचाएंगे, वो देखेंगे किस तरह का गेंदबाज है, क्या लाइन लाइन डाल रहा है, उसके बाद सोचेंगे क्या मारना है। दोनों गेंदें सेम डाली हैं, हो सकता है कि अब बड़े शॉट देखने को मिले। मैं तीसरी भी वैसे ही डालूंगा, फ़र्क ये होगा कि गेंद का जो स्विंग है ना वो गलत अलग होगा। ये गलत गेंद डाल दी, ख़राब है, बहुत ही ख़राब गेंद है, फ्लिक किया है, सीधे हाथों में गई है, चेक करके खेल रहे हैं, कोई बड़े शॉट नहीं ले रहे हैं। अभी तक तीन गेंदों में तो कोई बड़े शॉट नहीं देखने को मिले हैं और यही हमारा अभी तक का प्लस पॉइंट रहा है ये ओवर, वरना बेकार ओवर कर रहे हैं। ये गेंद भी ख़राब है, इस बार भी किस्मत साथ दी है, इस बार भी डॉट गया है। 59th ओवर चल रहा है इनिंग का, इस बार मैंने बहुत बड़ी स्विंग कराई है गेंद, और पहली गेंद है जो ग्रीन लाइन टच हुई इनकी, जो साफ साफ दिख रहेगी है, और इस गेंद पे भी डॉट जाता हुआ। पांच गेंदें, पांचों की पांचों डॉट, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ लाइन को, फिर से मिस कर गए, ग्रीन लाइन बहुत मिस कर रहे हैं। नए बॉलर को ट्राई करेंगे हम लोग, ऐसा होगा तो। यहाँ पे सिक्स लगा दिया है, वो तो पहली ही गेंद से कोशिश कर रहे थे कि बड़े शॉट खेले, लेकिन परफेक्ट लाइन एक बार भी नहीं डाल रहे थे। इसका मतलब है कि आप सिर्फ रन दे रहे हो, 50 पूरे होते 61 गेंदों में। बांग्लादेश ने बहुत सॉलिड वापसी की है इस टेस्ट मैच में, थोड़ा सा हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो भी भारी पड़ रहा है हमें। नबी को बुलाया गया है, दो ओवर और हैं हमारे आज का दिन समाप्त होने में, दो की एक पता नहीं, 61 डालनी है मुझे, 61 ओवर तक डालना है, देखते हैं हम लोग। एक और चौका, पूरी तरह से बांग्लादेशी प्लेयर्स यहाँ पे अटैकिंग मूड में आ गए हैं। मैं चाहता तो था यही, लेकिन इस तरह से नहीं चाहता था कि इतना बुरी तरह से हालत हो जाए हमारी। हाँ जी हाँ, एक और इसके बाद। अब इसमें ये होगा कि जब अपोनेंट का ऑटो प्ले होगा तो रन बहुत धीरे से बढ़ेंगे, ये एक नुकसान है बांग्लादेश को। अभी हम लोगों में तो उन्होंने रन बना लिए, लेकिन अपोनेंट में ये लोग रन नहीं बना पाएंगे, आप देखिएगा। फिर से मिस कर रहे हैं ग्रीन लाइन, ये हो क्या गया है नबी को भी समझ नहीं पा रहा मैं, ये भी अच्छी गेंद नहीं कर पा रहे हैं। आम बॉल डाल रहा हूँ मैं अगली, क्योंकि मैंने पहली दोनों के साइड चेंज करके डालता हूँ। हाँ, अब असली सरप्राइज होगा इनके लिए। अरे बाप रे, इतनी ख़राब गेंद, एंगल दिया है सीधे मिडल पे, फ्लिक किया है गेंद को, कोई रन नहीं। मैं फिर से साइड चेंज कर रहा हूँ अपने, ओवर द विकेट ही जा रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं इस बार। हल्का सा शायद ग्रीन लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का रखोगे तो सिक्स ही पड़ेगा। यहाँ पे अफगानिस्तानी प्लेयर डेफिनेटली यहाँ पर, अफगानिस्तानी बॉलर्स डेफिनेटली यहाँ पर चिंता में आ गए, क्योंकि देखते ही देखते दोनों ने 50 मार दिए हैं, दोनों सेट हो गए। हम नया बैट्समैन भी जो आएगा उसको आउट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और हमारे पास अब अगर देखा जाए 20 ओवर के हिसाब से सोचा जाए तो कम टाइम है। आखिरी गेंद है, गेंद उछली जरूर है लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, एक आखिरी ओवर है। मैं नए तेज गेंदबाज को ट्राई कर रहा हूँ, जहीर खान 75 रेटिंग है इनका, देखते हैं अब ये क्या कर पाते हैं। उम्मीद कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर से ख़राब गेंद के साथ शुरुआत। 5 ओवर किए इन्होंने अभी तक, 18 रन दिए हैं, पहली गेंद पे 2 रन आएगा, 3 भी आ सकता था अगर दौड़ जाए तो, पर गेम में ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो नहीं दौड़ सकता बेचारा। 5 गेंदें और, अगर विकेट लेना है तो अभी लेना होगा अफगानिस्तानी प्लेयर को। अरे बाप रे, कितनी ख़राब गेंद, टच ही नहीं काम किया, दो बार मैंने टच किया इसे, इतनी बार पीछे गई गेंद, और इस बार 6 के साथ ओवर को एंड कर रहे हैं यहाँ पर आखिरी ओवर में। यहाँ पे 6 लगा ही दिया है जे खान, यहाँ पे निराश करते हुए अपनी बॉलिंग से बढ़िया डाली, इस बार गेंद बढ़िया रखी है, अब देखना ये होगा क्या होता है इस गेंद पे। डिफेंस किया है यहाँ पर, देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। यहाँ पे 3 गेंदें तो डाल दिए किसी तरह, एक 6 भी खा चुके हैं, लेकिन आगे की गेंदों पे क्या होता है। आखिरी 3 गेंदें आज के दिन का समाप्त होने से पहले, फिर से 2 का कॉल, जी नहीं सिंगल में कन्वर्ट किया है, क्योंकि प्लेयर काफ़ी आगे आया है दौड़ के, गेंद को अपने ऊपर नहीं आन दिया है, खुद गेंद के ऊपर गए, ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से।
बढ़िया गेंद, फाइनली कुछ अच्छी गेंदें की इन्होंने, वरना मैं तो निराश हो गया था इनसे। आखिरी गेंद है, आज का दिन समाप्त होने से पहले की आखिरी गेंद। अरे बाप रे, खराब डाल दी वो भी, और उस पे पड़ा है डॉट, कुछ भी नहीं हुआ है। अब ऑटो प्ले होगा, अभी भी दिन नहीं समाप्त हुआ है, हमारा गेम प्ले का जो हिस्सा है वो समाप्त हुआ है। अब हम ऑटो प्ले करेंगे यहाँ पर नबी को दे के ओवर, और फिर हम देखेंगे एंड ऑफ द डे में क्या होता है, एंड ऑफ सेशन करेंगे, वही मतलब है क्या होगा, कितने रन फाइनल डे में कितने रन मार के होंगे। और उससे ज़्यादा तो मुझे ये देखना है कि विकेट कितने गिरेंगे, 8 गिरेंगे, 6 गिरेंगे, 6 मेरे ख्याल से गिरे होंगे, 6 या 6 से कम गिरे होंगे, तो बांग्लादेश के पास लीड आ जाएगी। ये जो मैं कह रहा था, नया कीर्तिमान बन जाएगा, कीर्तिमान बन जाएगा कल के दिन, अगर इनके 5 ही विकेट गिरे, कम से कम 6 तो गिरने ही चाहिए, 6 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। नजरें टिकी हुई हैं कि क्या होगा सिमुलेटिंग में, और स्टम्प तो हो गया है, डे 4 तो एंड हो गया है, लेकिन क्या हुआ है, कितना विनिंग के लिए बाकी है, 126 रन सिर्फ जीतने के लिए चाहिए। मैंने सही में नहीं सोचा था कि 400 से ज़्यादा का रन का टारगेट एक दिन में इतनी आसानी से लगेगा, आसान होता हूँ, 6 विकेट खो दिए, जो मुझे डर तो नहीं, जो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कैसे वापसी कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे डे तो स्टंप हो गया है, 2 विकेट शाह ने निकाले, एक एक नबी खान ने निकाला है, 2 रनआउट हुए हैं, बाप रहे हैं, 2 रनआउट भी हुए हैं यहाँ में, पर सिर्फ 126 रन करने हैं बांग्लादेश को। कल का पहला सेशन हर बार की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर हम लोग ऑटो प्ले करते हैं 30 ओवर में 90 रन भी ये लोग मार लेते हैं और 2 विकेट गंवाते हैं, तो भी मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश इस मैच में अब अपर हैंड हो गया है, 4 विकेट हैं इस गेम में। हार्डकोर मोड में बंदा हर बार सेट होकर खेलता है, और उस लॉजिक से बहुत मुश्किल होने वाला है अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना। तो मेरे लिए तो भाई बांग्लादेश टॉप पे आ गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गेम की डिफ़िकल्टी हार्डकोर मोड में मैं खेल रहा हूँ, इसलिए। तो अभी के लिए ले रहा हूँ आप लोगों से विदा, डे 5 का वीडियो ज़रूर देखना, और देखते हैं कौन जीतता है, अभी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन देखेंगे। पर तब तक के लिए ले रहे हैं आप लोगों से विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।